गूगल पे से किसी के बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम ओपन करते हैं हमारी गूगल पे एप्लीकेशन को। जैसे कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, मैंने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ये पीपल है, यानी कि जिनको पेमेंट आपने किया है, तो वो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड दिखाता है। उसके बाद नीचे जैसे आप आते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस एंड बिल्स है, तो इस पर कहीं पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। आप मैं बता रहा हूँ आपको कि अकाउंट में कैसे सीधे ट्रांसफ़र करना है पैसा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नीचे न्यू पेमेंट का। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, न्यू पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। आप आराम से इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। पीपल एंड बिल्स, बिजनेस, मोबाइल रिचार्ज, यहाँ पे बिल पेमेंट। तो यहाँ से तो आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो बिल पेमेंट। उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है बैंक ट्रांसफ़र, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे अंडरलाइन करके भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे जिस किसी के भी आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है, अकाउंट नंबर आप ध्यान से लिखिएगा, गलत ना हो जाए इसे मतलब। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर लिखता हूँ। उसके बाद अकाउंट नंबर को दोबारा लिखना है। जो अकाउंट नंबर आपने ऊपर फिलअप कर दिया है, लिख दिया है, उसको यहाँ पे नीचे दोबारा टाइप करना है सेम। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है आईएफएससी कोड, यानी कि आईएफएससी कोड यानी कि बैंक का आईएफएससी कोड, यानी कि आपका जैसे कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ से क्लिक करके सर्च कर सकते हो, या फिर आपकी पासबुक जो होती है बैंक की उस पर लिखा हुआ कोड जो है इंटर हो चुका है, और नीचे ब्रांच का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। जिसको पैसा सेंड कर रहे हो उसका नेम लिखना है। अगर नेम नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। तो अब मैंने नेम लिख दिया है। उसके बाद नेम जैसे ही लिख देते हो, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो फ्रेंड्स, तो आपके जो भी यूपीआई पिन आपने सेट किए थे, ये यहाँ पर कितना पेमेंट आपको सेंड करना है ये बता रहा है। अब एज अ डैशबोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो आपको कितना रुपये सेंड करना है वो यहाँ पर डालना है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपीज़ आपको सेंड करना है, तो वो डालना होगा। ठीक है, जितना सेंड करना है उतना आप यहाँ पे इंटर करके, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछेगा आपका यूपीआई पिन, आपने जो भी गूगल पे में यूपीआई पिन सेट किया था वो इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे ये ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है आपको। व्हाट्स दिस फॉर, ये किस लिए आप सेंड कर रहे हो। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप शेयर पे नीचे ऑप्शन आता है प्रोसीड टू पे, तो उस पर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आता है। ये यूपीआई का पिन जैसे ही एंटर करते हो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हो ना, तो आपका बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।